ओके गाइस, सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलेगा, साइड में जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो हमारी आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपके मोबाइल पे मिल जाए. Cause things change but the memories don't. You only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. हे गाइस, वेलकम बैक. एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ. हमारे एक व्यूअर ने कमेंट करके कहा था, सर जी जब भी मैं रेक्टेंगल टूल यूज़ करता हूँ तो जो मेरा रेक्टेंगल टूल है वो जो है वो कर्व में आता है, मतलब उसके साइड पॉइंट कर्व हो जाते हैं. जैसे मैं कोरल पे ओपन हूँ और मैं यहाँ से जो है रेक्टेंगल टूल जो है वो सिलेक्ट करता हूँ तो जो कर्व क्यों आ रहे हैं, तो जैसे मैं रेक्टेंगल टूल यूज़ करता हूँ, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो उसकी ऊपर की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको आपने अगर ध्यान से देखा हो या नहीं देखा हो तो आप देख लीजिए. जैसे मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ पे एक कर्व आ रहा है, देख रहे हैं आप कर्व है. ये कर्व क्यों आ रहा है, क्योंकि जैसे ही मैं जब रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करता हूँ तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है ऊपर की, अगर आप ऊपर देखेंगे तो वो चेंज हो जाती है. एक बार फिर से रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और आप ऊपर देखिएगा कि ऊपर की प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज हो जा रही है और यहाँ पर जो है ये कर्व के ऊपर क्लिक है. बट कर्व क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि जो चार पॉइंट है 1.15 mm के हिसाब से कर्व हो रहा है और यहाँ पे देखेंगे आप ताला लगा हुआ है और लॉक है और यहाँ पे भी क्लिक है. तो अब आपको करना क्या है, जैसे ही 1.5 mm का आपने कर्व सिलेक्ट किया हुआ है और ये लॉक है, मतलब अगर आप कोरल को क्रॉस भी कर दोगे तब भी जब आप रेक्टेंगल टूल यूज़ करोगे तो ये क्रॉप होगा ही, साइड में से जो है कर्व होगा ही. तो ये होता है क्यों है, क्योंकि आपने इसको लॉक कर दिया है. बट ये हटेगा कैसे, अब आप चाहे इसको कितना भी क्लोज कोरल को क्लोज कर दो और दोबारा खोलो तब भी आएगा. क्यों आएगा, देखो मैंने अभी काटा फिर से आ गया ये. अब इसको हटाने का तरीका क्या है, इसको हटाने का सिंपल सा तरीका है कि आपको जो है रेक्टेंगल टूल लेने के बाद एक बीच में खाली क्लिक करना है, किसी भी सब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करना है. बीच में मैंने अभी खाली क्लिक कर दिया, अब खाली क्लिक कर दिया ना तो ये सिलेक्ट है ना ही ये सिलेक्ट है. अब आपको करना क्या है, आपको ऊपर जाना है प्रॉपर्टीज़ जो आपने देखी और इसको जो है यहाँ पे लॉक इसलिए है ताकि जो एक भी कॉलम में मैं अगर जो भी अगर यहाँ पे मैं ज़ीरो कर देता हूँ तो सारे कॉलम ज़ीरो हो जाएंगे, इसलिए ये लॉक है. अगर ये ओपन होता तो एक एक करके करना पड़ता अपने को, बट ये लॉक है. अब देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो ये चारों तरफ से चौकोर हो गया, कोई भी कर्व नहीं है. तब अपने को करना क्या है, देखो मैं आपको एक सिंपल सा इस ताले का जो मकसद है वो बताता हूँ कि क्या है. मैंने इस ताले को जो है खोल दिया. ताले को खोलने के बाद अब मैं एक मिनट, ताले को जैसे ही मैंने खोला उसके बाद जो ये चार ऑप्शन है, मतलब ये चार कोने हैं, तो पहले कोने में मैंने डाल दिया 2 mm का कर्व, दूसरे कोने में भी मैं डाल देता हूँ 2 mm का कर्व. अब देखिए दूसरे कोने में जो है 2 mm का कर्व डाल देता हूँ. ताला मैंने खोल रखा है इसलिए मुझको आज़ादी है मैं किस कोने में क्या डालूं. अगर ताला बंद होता तो एक ही बार में सारे कोने चेंज करने पड़ते. तीसरे में मैंने 4 mm का डाल दिया, यहाँ से 4 mm का कर्व हो गया. और पांचवें में जो है, पांचवें में भी मैं 4 mm का कर्व जो है वो डाल देता हूँ. तो अब इस तरह से ताला खोलने के बाद जो है हमें फ्रीडम हो जाती है कि हम कौन से कोने पर कितना कर्व लेना चाहते हैं, कितने mm का, कितने इंच का, जो भी आप सिलेक्ट करके ले सकते हैं. तो इस तरीके से आपको जो है कर्व से आज़ादी पाना है. आपको साइड में क्लिक करना है खाली और आपको जो है वो ज़ीरो करना है, उसके बाद लॉक कर देना है, उसके बाद आप कोरल को क्लोज करोगे तो भी वो जो है कर्व हट जाएगा. ओके, तो अब मैं यहाँ पे 2 mm का कर्व डाल देता हूँ तो आप देखेंगे कि ताला लगाने के बाद सारों ऑप्शन में चार जो कॉलम थे चारों में 2 mm का जो है कर्व आ गया है. तो इस तरीके से आपको जो है कर्व से छुटकारा पाना है. अब देखिए मैंने जैसे 2 mm का डाल दिया था, लॉक कर दिया था, उसके बाद मैंने कोरल काट दिया था. अब मैं दोबारा कोरल को ओपन कर रहा हूँ, मैं X5 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ और मैं देखिए न्यू पेज ले लेता हूँ. मैंने पुराने पेज को नहीं लिया, मैंने न्यू पेज लिया, रेक्टेंगल टूल पे क्लिक किया और आप देखेंगे यहाँ पे 2 mm का कर्व फिक्स है. तो इसीलिए जिस भी विजेता कुमार ने जो हमें कमेंट किया था कि मेरा कर्व आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है. आप रेक्टेंगल टूल लीजिए, खाली क्लिक कीजिए साइड में, देखिए मैंने खाली क्लिक किया और यहाँ पर मैं जो है ज़ीरो कर देता हूँ और ताला लगा हुआ है तो सारी जगह ज़ीरो अपने आप हो जाएगा चारों कॉलम में. उसके बाद जो है मैं ताले को ओपन कर देता हूँ. अब मैं जो भी रेक्टेंगल टूल से ड्रॉ एक बॉक्स बनाऊंगा वो जो है आयकर होगा, चारों कोनों से चौकोर होगा. तो थैंक यू गाइस, बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब और प्लीज़ शेयर करें वीडियो.